तो और क्या हाल है, आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। सो यार पिछले वीडियो नहीं देखी तो जाओ देख लो, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ यार फॉलो कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर नई नई फोटोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, सो जाओ यार फॉलो कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बेसिकली आज की इस वीडियो आपको सिखाने वाला हूँ कि अपना फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं, वो भी परमानेंट के लिए, ठीक है। सो किसी भी रीज़न से आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को यार देखकर एंड तक का इजीली आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। सो पूरा वीडियो एंड तक का देखना, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। सो ऑलराइट गाइस, मैं आ गया अपने मोबाइल होम स्क्रीन फेसबुक पे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने फेसबुक को ओपन करके रख लिया है, सो आप भी ओपन कर लिए जिस भी फेसबुक अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थ्री एरोस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल नीचे करना है, ठीक है। सेटिंग्स में आपको आना है, सेटिंग्स। सो सेटिंग्स कहाँ गई यार, सेटिंग्स ये रही, सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करने के आना है नीचे की साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखे मिल जाएगा योर फेसबुक इन्फो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अकाउंट, ठीक है। अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के थ्री ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो आप देख लीजिए, दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेम्परेली अगर डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं आप डिलीट अकाउंट पे। आपको आप पूरा अकाउंट आपका आप पहले जान लीजिए। अगर आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपकी फ़ोटोज़ वीडियोस होंगी, जो कुछ भी आपने पोस्ट किया होगा वो सारा का सारा हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपका अकाउंट, कभी उसको लॉगिन नहीं कर सकते। 30 डेज़ के अंदर आप अगर लॉगिन कर लेंगे सो आपको वहाँ पे आपका अकाउंट रिकवर करने को बोलेगा, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 30 डेज़ के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। सो मुझे हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई एक रीज़न देना है आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से मैं कोई सा एक रीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है। सो नीचे आपको लिखा दिख जाएगा कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेट, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाएगा कि आप अगर डाटा वगैरह अपना डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आपको दिखाएगा कितने चीज़ आपने यहाँ पे अपलोड वगैरह की होंगी, तो यहाँ पे सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, सो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। सो इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड हो फेसबुक का। सो चलिए मैं पासवर्ड अपना एंटर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने शो हो के आएगा, तो यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। सो आपको इन्फॉर्मेशन देगा 30 डेज़ के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट अभी डिलीट हो चुका है, ठीक है, 30 डेज़ के बाद। सो ये ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाएगा। उससे पहले आप अगर लॉगिन करेंगे तो आप कर सकते हैं, आपको रिकवर करने को आपका अकाउंट बोलेगा, ठीक है। 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक आपका अकाउंट फेसबुक से रिमूव हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। सो अगर आप भी फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो यार इसी तरह डिलीट कर सकते हैं। सो आशा करता हूं आपको यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर बैक टू बैक मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।